Hello students, in previous lectures we discussed about different types of numericals of dimension analysis. I hope aap sab unki practice kar rahe honge. Now today we will discuss about next type of numericals to find the dimensions of A and B, in which we discuss about ki why different quantities of same dimensions can be added and subtracted. Means एक फोर्स की अगर हम डायमेंशन की बात करें m1 l1 t -2 तो फोर्स में से फोर्स की डायमेंशन को ही ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर हम चाहें कि फोर्स में से हम मास की डायमेंशन या वॉल्यूम की डायमेंशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो इन वंडर वॉल्स equation p plus a by v square v minus b is equal to rt. This is van der Waal equation. We have to find a and b. ये a and ये b, इन दोनों के dimensions find out करनी है हमें. Where p is pressure, V is volume, R is gas constant and T is temperature. So ये question given है हमें, हमें find out करनी है A and B के dimensions. तो अभी हमने क्या कहा कि same quantity में हम कह same quantity means ये pressure है तो ये भी प्रेशर ही होना चाहिए पूरा, तभी हम इसकी क्वांटिटी में इसको ऐड कर सकते हैं. तो प्रेशर में ऐड करने के लिए मीन्स ए अपॉन वी स्क्वायर, ये भी क्या है प्रेशर ही होना चाहिए. ऐसे ही वॉल्यूम, ये क्या है वी, क्या है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में से अगर कोई क्वांटिटी माइनस हो रही है तो मीन्स वो भी वॉल्यूम ही होनी चाहिए. सो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू बी, कि अगर ये वॉल्यूम है तो ये बी की बी भी क्या है वॉल्यूम ही है. तो वी क्या है, बी इज इक्वल टू V. तो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको हम, बी इज इक्वल टू वी. सो वी क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है एल क्यूब एम जीरो एल थ्री टी जीरो. तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएंगी, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, ये भी आ गया. ऐसे ही हमारे पास क्या है पी, प्रेशर में हम अगर ये क्वांटिटी एड कर रहे हैं ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ए अपॉन v square, a upon v square is also equal to pressure. So a is equal to pressure multiply v square. So pressure की dimensions find out कर लें अगर हम, तो pressure क्या है, pressure is equal to force upon area. Force क्या होता है m1 l1 t -2 and area क्या है l square. So we get m1 l 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 1 एंड टी माइनस 2. सो प्रेशर इज m1 l माइनस 1 टी माइनस 2 एंड v क्या होता है l क्यूब, इसका स्क्वायर है तो इसकी पावर 2. नाउ सॉल्व इट, m1 l माइनस 1 यहां पर कितना आ जाएगा 3 टू जा 6, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड टी माइनस 2. सो वी गेट m1 l5 6 में से 1 माइनस कर देंगे l5 टी माइनस 2. सो वी गेट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू m1 l5 टी माइनस 2 एंड बी इज इक्वल टू, बी का हमने फाइंड आउट किया है ये b इज इक्वल टू m0 l3 t0. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ a एंड b.
Now let us take the next example. Write the dimensions of find A divided by B. A and B की dimension find out करनी है, then दोनों को divide करना है. Find the A divided by B in the relation F is equal to A root X plus B T square, where X is distance, F is force and T is time. So, solution is, F is equal to this quantity plus this quantity. Means force है, तो यहाँ पर क्या है, force is equal to force, ठीक है, तो ये force के ही equal है quantity, means ये भी force है, इसमें ये quantity add हो रही है, तो ये भी force है. So, F is equal to A root X, ये भी इसके equal है, and F is equal to B T square, ये भी force है, और ये भी force के ही equal है, तो दोनों quantities क्या है, force के ही equal है, so we get A is equal to F by root X. इसको इसके नीचे ले आएंगे क्योंकि A find out करना है. तो F is equal to M1 L1 T minus 2 divided by root X क्या है distance, तो उसको L लिखेंगे. So we get M1 L1 T minus 2 divided by L root में है, इसका मतलब इसकी power कितनी होगी, 1 by 2. So M1 L 1 माइनस ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 1 बाय 2 टी माइनस 2. सो वी गेट एम 1 एल 1 माइनस 1 बाय 2 कितना आ जाएगा, हाफ टी की पावर माइनस 2. सो ये डायमेंशन आ गई किसकी, ए की. ए इज इक्वल टू दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी. सो B is equal to F by T square. F is equal to M1 L1 T minus 2 divided by T kya hai time, to T square. So we get M1 L1 T minus 2 minus 2. Yeh upar jaakar minus 2 ho jayegi. So we get M1 L1 T minus 4. Yeh aa jayegi B ki dimension. तो हमें फाइंड आउट करना है A डिवाइडेड बाय B. A इज M1 L1 की पावर 1 बाय 2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय M की पावर, ये B डिवाइडेड बाय B, M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर माइनस 4. सो इनको सॉल्व कर देंगे, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 1 माइनस 1, L की पावर ऊपर कितनी है 1 बाय 2, नीचे कितनी है 1, तो ये कितनी हो जाएगी ऊपर जाकर माइनस 1, एंड t की पावर कितनी है माइनस 2, ऊपर जाकर ये माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4. सो वी गेट l की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है 1 की, ठीक है, इसके साथ माइनस साइन है, तो माइनस 1 बाय 2, एंड t की पावर कितनी 2. सो वी गेट द डायमेंशन l इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 t की पावर 2. So, A upon B is equal to L minus 1 by 2 and T the power 2. Now let us take next example. Find the dimensions of A multiply B in the relation
बी इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी रूट एक्स, वेयर टी इज टाइम एक्स इज डिस्टेंस. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी. पहले इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, देन ए मल्टीप्लाई बी. सो ए माइनस टी स्क्वायर, अगर a में से टी स्क्वायर माइनस हो रहा है तो इसका मतलब a भी क्या चीज है, t स्क्वायर के ही इक्वल है. सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, a भी टी स्क्वायर के ही इक्वल है. सो a इज इक्वल टू टी स्क्वायर. डायमेंशन क्या आ जाएंगे इसकी, m जीरो l जीरो t, t क्या है टाइम, सो t की पावर 2. तो ये a की डायमेंशन आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ b. नाउ b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो अगर हम टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर को माइनस करते हैं तो क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर ही रह जाएगा. सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b x. ठीक है, ऐसे जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर 5 kg है, माइनस 5 kg का 2 kg है, तो दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 3 kg. तो यूनिट जो डायमेंशन है वो सेम रहेगी. सो वी कैन राइट only t square here. So p is equal to t square divided by b root x. Now b हमें find out करना है. So b is equal to t square divided by, इसको इधर ले जाते हैं, power को नीचे ले आएंगे, p root x. Now अब power की dimensions find out कर ले पहले. Power is equal to क्या होता है, power is equal to work done upon time. Work done upon time. So work done is वर्कडन की डायमेंशन अगर डायरेक्टली लर्न है हमें, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम टी. सो वी गेट एम वन एल टू टी, यू वी ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस वन, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री. सो पावर की डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस थ्री. सो पुट इट हियर, तो बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू ऊपर क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर इज एम वन एल टू टी माइनस थ्री, एंड ये क्या है एल किसमें है रूट में है, तो इसका मतलब पावर वन बाय टू. एक्स क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लिखते हैं एल से, रूट के अंदर है तो इसकी पावर कितनी है वन बाय टू. सो वी गेट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एल की पावर कितनी है टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इसमें पावर एड हो जाएगी प्लस वन बाय टू, एल की पावर में एड हो जाएगा ये टी की पावर माइनस थ्री. सो एम की पावर माइनस वन, ऊपर जाकर माइनस वन हो जाएगी, एल की पावर यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा टू टू द फोर प्लस वन, कैसे निकालेंगे एलसीएम, एल की पावर कितनी है टू प्लस वन बाय टू, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका टू टू द फोर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, तो कितना आ जाएगा फाइव बाय टू. सो वी गेट एल की पावर फाइव बाय टू, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी माइनस फाइव बाय टू, एंड टी की पावर नीचे कितनी है माइनस टू, ये कितनी है टू, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगी टी की पावर फाइव. सो आ गई बी की डायमेंशन एम माइनस वन, एल की पावर माइनस फाइव बाय टू, टी की पावर फाइव. Now we have to find A multiply B. A multiply B. A की dimensions क्या है हमारे पास, A क्या है M0 L0 T की power 2. And B की dimensions क्या है M minus 1 L minus 5 by 2 T की power 5. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एम की पावर जीरो माइनस वन, तो कितना आ जाएगा माइनस वन, एल की पावर जीरो माइनस फाइव बाय टू, तो कितना आ जाएगा माइनस फाइव बाय टू, एंड टी की पावर यहाँ कितनी है टू, यहाँ कितनी है फाइव, तो टू प्लस फाइव दोनों ऐड हो जाएंगी. सो वी गेट एम माइनस वन, एल की पावर माइनस फाइव बाय टू, एंड टी की पावर
7. So these are the dimensions of A cross B. Now next example is the distance x covered by a body in time t is x is equal to A plus B T minus C T square minus D T cube, where x is distance, T is time. We have to find the dimensions of A, B, C and D. चारों dimensions A, B, C and D सबकी dimensions find out करनी है. So x is equal to A plus B T minus c t square minus d t cube. So we know कि अगर x क्या है डिस्टेंस, अगर इसमें क्या है ये a इसके इक्वल है तो ये भी डिस्टेंस ही है. b t ये इसमें एड हो रहा है तो ये भी डिस्टेंस है. माइनस हो रहा है इसमें से c t square तो ये भी डिस्टेंस है एंड ये भी डिस्टेंस है. क्योंकि ये डिस्टेंस के इक्वल है तो सारी क्वान्टिटीज अगर एड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दीज आर ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस. सो a इज इक्वल टू x भी हम लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x डिस्टेंस के ही इक्वल है ये. सो वी गेट a इज इक्वल टू m0 l1 t0. सो a की डायमेंशन आ गई. नाउ b, bt, bt इज इक्वल टू ऑल्सो x. सो वी कैन राइट bx, सॉरी bt इज इक्वल टू x. bt को भी x ही लिख सकते हैं. So B is equal to x by t. So we get L by t. X क्या distance है तो x को क्या लिखेंगे, L t time तो t. So B is equal to m zero. M नहीं है, mass नहीं है इसमें, तो m zero L one t की power नीचे वन ऊपर जाकर minus one. So B की dimensions आ गई. B is equal to m zero L one t minus one. So c t square ये भी किसके इक्वल है, इस x के ही इक्वल है. सो वी कैन राइट c t square इज इक्वल टू x. c फाइंड आउट करना है इसको यही रहने देंगे, तो x डिवाइडेड बाय c t square को नीचे ले आते हैं t square. सो वी कैन राइट l, डिस्टेंस क्या है, l डिवाइडेड बाय t square. सो वी गेट c इज इक्वल टू m0 l1 t माइनस टू, जाकर माइनस हो जाएगी पावर. नाउ लास्ट इज डी टी क्यूब. डी टी क्यूब ये भी डिस्टेंस के ही इक्वल है. सो वी कैन राइट डी टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स. सो डी इज इक्वल टू एक्स बाय टी क्यूब. सो डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल बाय टी क्यूब, एक्स डिस्टेंस एल टी क्यूब. सो वी गेट एम जीरो एल वन t minus 3. So these are the dimensions of A, B, C and D. ठीक है, तो यहां से मैं देखा कि ये क्वांटिटी x के इक्वल है, ये इसमें एड हो रही है तो ये भी x के ही इक्वल है, डिस्टेंस ही है. ये क्वांटिटी इसमें से माइनस हो रही है तो ये भी क्या है, x के ही इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है. इन द सेम वे d t cube इज ऑल्सो x. So we can find the dimensions of A, B, C and D. So students, that's all about dimensions. So keep practicing. Next time we will discuss about the errors of measurement. Thank you.